नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी कुलदीप मेघवाल। आज हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा का एक टॉपिक हमारा कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक रोग क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। संक्रामक रोग वह रोग या कह सकते हैं दूसरा नाम है छूत के रोग। सभी प्रकार के संक्रामक रोग किसी विशेष रोगाणु से पनपते हैं या हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। जब हम स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणु वायरस बैक्टीरिया कीटाणु फफूंदी आदि से जल वायु भोजन या स्पर्श के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। वे संक्रामक या छूत के रोग कहलाते हैं। विषाणु बैक्टीरिया और कीटाणु के आधार पर बैक्टीरिया कम्युनिकेबल डिजीज को दो भागों में बांटा है, ससंग रोग और संचारी रोग। संक्रामक रोगों को रोकथाम व नियंत्रण के उपाय। संक्रामक रोग की रोकथाम व नियंत्रण के उपाय करना चाहिए। पानी को साफ और सुथरा कीटाणु रहित होना चाहिए क्योंकि दूषित जल में अनेक प्रकार के संक्रामक रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें पानी हमेशा क्लोरीन युक्त या उबालकर पानी पीना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों का नियमित रूप से टीके लगवाने चाहिए क्योंकि संक्रामक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वहीं पर्यावरणिक स्वास्थ्य या आस पड़ोस पड़ोस के स्वास्थ्य की विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि गलियों में फैला गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि अनेक प्रकार के कीटाणु मच्छर पैदा हो जाते हैं और रोग को फैलाते रहते हैं। संक्रामक रोगों से नियंत्रण करने के लिए संक्रामक रोगों का स्वास्थ्य व्यक्तियों के घरों में अन्य सदस्यों को अलग रखना चाहिए तथा पूरी तरह स्वस्थ रह सकें। इस प्रकार एक कह सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे रोग हैं जो मानव के शरीर में हाथ के द्वारा वायु के द्वारा भोजन के द्वारा या जल के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाते हैं और शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं जिससे हमारा शरीर की कार्यक्षमता घट जाती है तथा बॉडी काम करना कम कर देती है।